सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल देसी सिंह। तो काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे आए क्यों है ये मैं सबसे पहले बता दूँ। हम लोग का 4th एनिवर्सरी था दिव्या और मेरा शादी का एनिवर्सरी, तो इसके लिए हमने सोचा कुछ क्वालिटी टाइम बिताए दोनों साथ में। काफी टाइम से कहीं बाहर भी नहीं गए थे, जब से इवान हुआ है तब से मतलब मोस्टली कहीं नहीं गए ज्यादा, तो इसके लिए हम लोग सोचे क्यों ना एक थोड़ा सा घूम के आते। तो ये जगह लोनावाला में, लोनावाला के में कहाँ है उससे थोड़ा आगे, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तब तक आपने तो रूम टूर देख भी लिया, तो अभी जैसे हम लोग केक काटेंगे और जो जो पूरे दिन में करेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। और फिलहाल तो मैं और इवान इसमें जाने वाले, तो वो भी आपको बताएंगे, ये बहुत मस्ती करने वाले, तो देखते रहिए। अब तब तक थोड़ा मैं फ्रेश होके आता हूँ फिर आपसे। क्या हुआ? ले भी नहीं पा रही है, जो ला दो तब उठ के यहाँ से ले। लो 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 लो, ये देखो आलस पन का, देखो कितनी बड़ी आलसी है, देखो। और क्या मशीन लगा दो, चूल्हे का मजा ले। तो दिव्या अभी तैयार हो रही है, अभी हम लोग डिनर और केक काटने के लिए जा रहे हैं। तो अभी वहाँ हम लोग के उस वहाँ पीछे है टेबल लगा हुआ, तो अभी वहीं केक काटेंगे। तब तक देखिए कितना खूबसूरत है, शाम के टाइम पे बहुत ठंडा मस्त, बहुत हवा चलता है ठंडा ठंडा। तो ये देखिए, बताइए शर्ट कैसा लग रहा है, दिव्या ने गिफ्ट दिया। तो ऐसे ही जैसे मैं नए नए जगह जाता हूँ, मैं वैसे ही ब्लॉग के जरिए आपको बताते रहता हूँ, क्यों ना आपको भी एक्सपीरियंस कराओ। तो ये लोनावाला के 30 किलोमीटर कुछ आगे है, जगह का नाम मैं कल पूछ के, एग्जैक्ट जगह का नाम मैं कल पूछ के चेकआउट के टाइम पे आपको मैं बताऊंगा। जगह अच्छी है, शांत है, मेरे को तो ऐसी जगह पसंद है। अभी ये इसको चालू होके ही 15 दिन हुआ है, तो इसके लिए रिजनेबल भी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप इंक्वायरी कर सकते हो अगर आपको एनिवर्सरी पार्टीज़ ये सब पे, देखो कितना मस्ती हो रहा है, ये सब में आना हो तो इसके लिए ब्लॉग पूरा देखो। मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, फॉलो कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि नए नए व्लॉग्स आएंगे तो आपको पता चलेगा, कभी भी आया आपको लगेगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और अलग अलग जगह जाऊंगा तो ही व्लॉग्स बनाऊंगा मैं इसके लिए, क्योंकि वो बोरिंग सा हो जाता है, कहीं का भी घिसा पिटा आपको भी देखने के लिए अच्छा नहीं लगता और मुझे बनाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए कम बनाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अच्छा बनाऊँ। तो अभी आ रहे, फिर केक वेक ये सब काटेंगे, थोड़ा सा सोचा बात कर दो तो इसके लिए आपसे कर लिया। और ये देखिए इवान की मस्ती, ये देखो कितना मस्ती, कितना 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 हाँ कितना मस्ती करते हो भाई भाई, देखो हाँ। अरे क्या 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 कर क्या रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, चॉकलेट पूरा लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे, पूरा चॉकलेट लेके जाना चाहते हो, यहाँ पे ऊपर बैठ के तुम खाओगे, हम लोग खाना कहाँ खाएंगे। देखो कैसे लाड साहब के जैसा बैठा, देखो इसके ही मजे। ठीक है, तो आपका दोनों फोटो सेशन करते हुए
इनको लग रहा था फोटो ले रहा हूँ इनका, देखो है ना। और बाबू खाने का इंतजार कर रहे हो? हाँ तो अभी हम लोग चल रहे हैं खाना खाने, वहाँ पे है पीछे टेबल लगा हुआ है और केक काटेंगे खाली मैं और दिव्या। तो दिव्या और बाबू, और बाबू इवान, ये देखो हीरो शाहरुख खान यहाँ पे, ठीक है। बाबू ने अपने कोट पे लिपस्टिक लगा लिया है। दिव्या को सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी मैं वहाँ पे पूछता हूँ यहाँ के बारे में, ठीक है। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, मतलब क्या सिस्टम है, ठीक है। आ जाइए। आप लोगों ने नाना पाटेकर वाली पिक्चर देखी होगी, मेरे को पिक्चर का नाम नहीं। उसमें अपनी वाइफ के साथ जाता है वो, मतलब अकेले ही पार्टी मनाता है अपनी वाइफ के बर्थडे का, जिसमें कोई नहीं रहता। तो मुझे वैसी टाइप की फीलिंग आती है, उसमें वो शक ही रहता है, मैं वैसा नहीं हूँ। खाली हम लोग है ये आज, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है। बात चल रही है खाना आ रहा है तो खाना खाएंगे। सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा मुझे पता, जकूजी भर भर के मैडम ने जकूजी का मजा लिया, मैंने भी लिया, अच्छा था गर्म पानी एकदम, सब बहुत मजा आ रहा था। ये नहीं लिया कि इन्होंने जाने नहीं दिया इवान को कि ठंडा, यहाँ पे ठंडी है तो तबीयत खराब हो जाएगा। स्पेंड करना तो आप यहाँ जरूर है। हाँ अकेले टाइम स्पेंड कर लेते आप यहाँ पे, अच्छा है, कोई नहीं है। और नॉर्मली वीकडेज पे आओगे तो थोड़ा सस्ता भी रहता और कोई नहीं रहता, कंप्लीट प्राइवेसी है। और ऊपर है जैसे मैंने आपको दिखाया, वो पूरा कुछ नहीं, आप आराम से नहाते हुए पूरा व्यू का मजा ले सकते हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, और पूरा ठंडा रहता, पूरा एकदम शांति। दोपहर में ठंडा नहीं रहता है, दोपहर में बहुत गर्म रहता है, 3-4 बजे कर सकते हैं। हाँ नीचे झूले पे हवा हवा आता है जैसे मैंने दिखाया था इवान इवान, तो 4 बजे तक बहुत धूप रहता है लेकिन उसके बाद ठंडा रहता है, क्योंकि पूरा ग्लास का तो पूरा का पूरा धूप उसी के अंदर, रूम के अंदर ही आता है। लेकिन ठीक है, लेकिन 4 के बाद अच्छा लगने लग जाता है, तो है ठीक है, अच्छा लगता है। मैडम ने बहुत मजे किए, मैडम ने बहुत कुछ ज़्यादा ही मजे लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग डिनर का वेट कर रहे हैं। आई थिंक मैं ब्लॉगिंग अच्छा करते कल करवाऊंगा, कभी कभी मूड में आ जाते हैं। काट दूंगा उसको, नहीं काट लूंगा, सब काट दूंगा, नहीं प्लीज बोलिए नहीं काट दूंगा जी। सेठ जी मैं लोगों के रोल काटता हूँ, इसका भी काट दूंगा। तो ये हम लोग का डिनर आ गया, मैं बताना भूल गया उसमें, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, प्राइस मैं लास्ट में बताऊंगा। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला है आपको, हाई टी मिलेगा, मतलब जब आने के बाद हाई टी मिलेगा, क्योंकि आप 1 बजे तक आते हो तो लंच का सवाल ही नहीं उठता, आते आते 2 बज जाता है, तो हाई टी मिलता है। हाई टी में आपको पकौड़े, चाय और क्या मंचूरियन मिला था, मंचूरियन था वो था। उसके बाद डिनर में रोटी है, अब मैंने पराठा कर दिया, भाजी है, दाल है, और ये 2 भाजी है, ठीक है। तो 2 किस्म की भाजी मिलेगी, दाल मिलेगा, रोटी मिलेगी, और स्टीम राइस या जीरा राइस जो भी है वो मिलेगा। और उसके बाद मॉर्निंग में, मॉर्निंग का आपको मॉर्निंग में बोला, मॉर्निंग में क्या है, हाँ डेजर्ट में गाजर का हलवा है अभी। इसके बाद, इसके बाद ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है विद इन प्राइस के अंदर, और इनका फेवरेट है बोल रही थी गाजर का हलवा। और सुबह में क्या है, आलू पराठा, सुबह में आलू पराठा है, पोहा है, या तो उपमा है, तो दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो ये सब अंदर ही है, ये सब के मतलब पैकेज के अंदर है, और वो मैं जब चेकआउट करूंगा पैकेज आपको तभी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग फिर भाग जाओगे, व्लॉग नहीं देखोगे, वैसे भी कम व्लॉग आते नहीं, नहीं देखो प्लीज, वैसे भी ये बहुत कम व्लॉग बनाते हैं, टाइम नहीं मिलता इसके वजह से, नहीं तो बनाऊंगा वापस जैसे जैसे, अगर मैंने आपको बताया कि अच्छी अच्छी जगह जाऊंगा तो बनाऊंगा, वरना वही बोरिंग व्लॉग आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी बनाने में अच्छा नहीं लगता, और मैडम को भी देखने में अच्छा नहीं लगता रोज रोज का। वो एक बार चैलेंज वाला बनाया था तो मैडम को बोर होने लग गया था, जैसे आप बार बार वही चीजें रिपीट करो तो देखने का मन नहीं करता, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये भी मैं काट दूंगा, वो अक्षय कुमार पिक्चर बोलता है, काट दूंगा रोल भी इनका, ज्यादा बोल रही है, फिर आप लोग बोलोगे इनसे ब्लॉगिंग करो, इसके लिए काट दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है,
ये ज्यादा बेटर करता है, मैं तो कभी की नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं आप लोग के साथ आया हूं। जो देख रहे हो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी चेकआउट करने का टाइम हो गया, अभी ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे हैं। दिव्या और इवान ऊपर रेडी हो रहे हैं, तो मैं जगह जाने वाले, जैसे मैंने कल बताया था कि लोनावाला में घूमेंगे, टाइगर पॉइंट, बुशी डैम, ये सब। तो अगर वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी, मतलब इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं एक और ब्लॉग बनाऊँगा। अगर नहीं लगा तो फिर नहीं बनाने वाला, ठीक है, क्योंकि वही बोर नहीं कर रहा हम लोगों को। तो आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, कल भी मैंने बोला, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। और ये जगह कैसे लगी वो भी आप बता दीजिए। इसका चार्जेस है 10,000 एक दिन का, एक हो रूम का, ठीक है। उसके अंदर आपको जकूजी है और आपको खाने के लिए हाई टी मिलेगा, डिनर मिलेगा, सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो ये तीन चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री है। अब मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, अगर आपको यहाँ के मैनेजर से बात करना है तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ये कहाँ पे, लोनावाला से 30 किलोमीटर आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप लोनावाला आते हैं फार्म हाउस पे, अगर एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो आप यहाँ पे रुकिए, मनाइए, दूसरे दिन पूरा घूमिए, मतलब चेकआउट करके और फिर घर पे जा सकते हैं। तो ये भी एक हिल स्टेशन जैसा एक हो जाता, छोटा पिकनिक हो जाता तो इसके लिए। और हवा हवा भी बहुत अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, तो ठीक है, अच्छा है। तो देखिए ये है, ये रूम है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा दोनों रूम्स के क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। और आगे पूल है, और ये हो गया, ये हमारा रूम है ऊपर, इसके अंदर जकूजी है जो मैंने दिखाया था, रूम टर आपको करवाया था ये। और यहाँ पे छोटा सा गार्डन, और इसके बाहर व्यू, व्यू अच्छा है, रात को तो और मज़ा आ रहा था देखने में। और आपको रात को कंप्लीट प्राइवेसी मिलती है आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये जकूजी है, मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आप व्यू का लेते हुए सनसेट देख सकते हो, नहाते हुए या बैठ के वहाँ पे बालकनी में चाय पी सकते हो, आराम से बहुत कुछ कर सकते हो, पर कंप्लीटली शांति, देखो कोई नहीं है डिस्टर्ब करने वाला। अगर आपको मनाना है वीकेंड पे आना है तो आप आ सकते हो, लेकिन वीकडेज पे नॉर्मली बहुत अच्छा रहता है, मेरे को तो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को भीड़ भाड़ बहुत कम, मज़ा तो आया इसमें बहुत। हाँ, दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी होती है, क्योंकि कांच है ऊपर रूम के अंदर, और पूरा कांच से सूरज आता है, तो सूरज सर पे ही रहता है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा है, लेकिन शाम को बहुत मज़ा आता। देखो आ गए दोनों जन, माँ बेटे दोनों जन, आ जाओ, ये वो नाश्ता आ रहा है, मैं बोलो। हम लोग को बहुत मज़ा आया बिलाज लेक रिजॉर्ट में, यहाँ का स्टाफ बहुत फ्रेंडली है और खाना भी बहुत अच्छा था, खाना भी टेस्टी है, नाश्ता भी टेस्टी है और बजट में भी है आपके, ऐसा आप सोचेंगे कि महंगा है कॉस्टली, ऐसा कुछ नहीं है, बजट में भी है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है और यहाँ के जगह बहुत अच्छा है, कोजी है, अगर आप कपल आ रहे हो या ग्रुप आ रहे हो तो भी आप लोग रह सकते हो, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करना, ठीक है। प्राइवेसी चाहिए तो यहाँ ज़रूर आए, हाँ ज़रूर आए, ठीक है। तो लेके हाँ, बहुत 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 आना था ना। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाले, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए, मेरा इंस्टाग्राम का मैं लिंक में डाल दूंगा, और बीच बीच में चैनल के बीच में आपको डिस्प्ले करते रहता हूँ, तो वो आपने देखा रहेगा, उसको जाके फॉलो कर दीजिए, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे और मैं ऐसे ही आपको मिलूँगा, ठीक है। अभी
अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए देसी सिंह।